गुड मॉर्निंग एवरीवन, रांची टू दिल्ली डे टू में आपका स्वागत है। और अभी बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है, हम लोग पूरा रेडी है, सामान बाइक में पूरी तरह से पैक्ड है और बस रेन कवर डालते हैं, रेन गियर पहनते हैं, फिर निकलते हैं। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है आगरा तक, कोशिश करेंगे कि आगरा तक हम लोग पहुँच जाए, क्योंकि अगर आगरा आज हम लोग पहुँच जाते हैं तो फिर कल आगरा से दिल्ली हमें करीब 2 से 3 घंटे लगने वाला है यमुना एक्सप्रेस वे में। तो पूरी कोशिश रहेगी हमारी आज रात आगरा तक पहुंच जाने में। अभी बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, वहाँ पे आप देख सकते हो, और मैं भी पूरा गेयर में हूँ और मैं दिखाता हूँ आज मैंने क्या जुगाड़ लगाया। रात को बारिश भीगने के बाद मेरा जूता वो पूरा भींग चुका था, और मतलब रात भर में तो जूता सूखने वाला है नहीं, अंदर न्यूज़पेपर डालने के बाद भी वो सूखा नहीं था। तो जुगाड़ ये किया मैंने कि जूते के ऊपर, मोजे के ऊपर मैंने प्लास्टिक पहन लिए ताकि जो मेरा पैर है वो बचा रहे पानी से और कोई तरह का परेशानी ना हो हमारे राइड में। आज किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आज हम भी वाटरप्रूफ है और हमारा गोप्रो भी वाटरप्रूफ है। अभी हम गोपालगंज में है और हम निकल रहे हैं हाईवे के लिए जो कि हमें गोरखपुर होते हुए आगरा की ओर ले जाएगा। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय, और मेरे ऊपर वाले को क्या हाल चाल है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव व्लॉग। और कल जो हम गोरखपुर नहीं पहुँच पाए इसका मेन रीज़न ट्रैफिक था, क्योंकि उत्तर प्रदेश बॉर्डर यहाँ से करीब 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ज़्यादा ट्रक ट्रैफिक था, बाइक पास होने की जगह नहीं थी। हमारे साथ सैडल बैग होने के कारण छोटे छोटे रास्तों से निकल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम गोपालगंज में रुक जाते हैं। ये बारिश जो है आज हमारा मकसद, हमारा इरादों को नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि आज हम क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं आज हम वो है। कल हमें रात को इससे भी पतले पतले रास्ते मिले थे, अब सैडल बैग होने के बाद थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बाइक निकलेगी या नहीं निकलेगी। यहाँ पे मेरा ब्रूनो के जैसा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा लैब्राडोर, हेलो, मेरा ब्रूनो ऐसे खोल देंगे तो साला कहाँ भागेगा, पेपर में छपवाना पड़ेगा इश्तेहार, लापता 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 ब्रूनो लापता, ऐसे खोलने पे अगर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ मुझे दिखा है, अब पता नहीं इसका महत्व क्या है, लेकिन ये हिंदू टेंपल के आकार में और ओम और भगवान देवी देवताओं के जो प्रतिमाएं हैं वो लगी हुई है। भैया ये यूपी है कि बिहार है? बिहार है। ये बिहार है, और कितना दूर बॉर्डर यहाँ से? थैंक यू भैया। रोड पूरा खुल चुका है आगे जा करके, फिर भी अपोजिट साइड से गाड़ियाँ आ रही है। देखो ये बस आ रहा है, वो बाइक वाला आ रहा है, अपोजिट साइड से गाड़ियाँ आ रही है, क्योंकि बिहार है, लोग तो मानेंगे नहीं। ओ भाई वेलकम टू उत्तर प्रदेश, वाह। मतलब कल पूरे दिन बिहार में ड्राइव करने के बाद और आज मात्र 1 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश, और अयोध्या यहां से 233, लखनऊ 366, गोरखपुर 97। तो भाई साहब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं उत्तर प्रदेश बाइक से आया हूं, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश बस 2 बार आया था, एक बार करतारपुर जाने समय और एक बार जब 10th देने के बाद जब मैं कोटा गया था, तब बस दो ही बार मैं लाइफ में आया हूँ उत्तर प्रदेश, और ये थर्ड टाइम बाइक से। Wow man, it's a achievement for me. It's time to celebrate man. क्योंकि उत्तर प्रदेश भाई साहब प्लेटिना से घुसाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और एक्साइटमेंट लेवल आप मेरा देख सकते हो यार। एक तो पूरा झारखंड कवर करके मैं साहिबगंज आया, फिर उसके बाद पूरा बिहार कवर करके, ऑलमोस्ट पूरा बिहार, अब उत्तर प्रदेश, और पूरा उत्तर प्रदेश ने मुझे कवर करना है, पूरा उत्तर प्रदेश। कैसा लग रहा रवि भाई आपको बाइक से फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश एंट्री लेकर के? मतलब मजा आ गया क्या रवि भैया? बहुत ज़्यादा। अभी तो यहाँ से रोड बहुत अच्छा मिलने वाला हम लोग को लखनऊ तक। रुकेंगे कहीं ब्रेकफास्ट के लिए, 7:30 हो गया ना, 8 बजे तक रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, आधा घंटे में 50 किलोमीटर कैसे भी करके कवर कर लेना, ठीक है? कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन जब दिल्ली का बोर्ड दिख जाए तब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली और 768 किलोमीटर। चलो एक दो फ़ोटो शूट करते हैं यहाँ पे, और जो फोटोज़ हैं आपको वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो मेक श्योर करना कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर रहे हो। दिल्ली किधर है? दिल्ली
ये वाला गोरखपुर इधर से बाईपास है, नहीं वाला सिटी नहीं जाना है। आर्यन फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट, बस डीला गोरखपुर, NH 28। टाइम फॉर पेट पूजा, और बाइक में भी तेल नहीं है, पहले खुद खा लेते हैं फिर उसके बाद बाइक को भी थोड़ा मोरा खिला दिया जाएगा। क्या रवि भैया आपके बाइक को भूख लगा है? फुल टैंक है। 9:19 हो रहा है और गोरखपुर बाईपास में हम आ गए। गोरखपुर बाईपास, गोरखपुर सिटी को बाईपास करके साइड से निकालता है डायरेक्ट लखनऊ के लिए। और सुबह से तो कुछ खाया नहीं हमने, रात को भी कुछ खाया नहीं था, तो होटल आए खाते हैं। वहाँ रवि भैया फ्रेश हो रहे हैं, उनको फ्रेश हो जाने तो फिर जाके मैं पैर हाथ धोता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं और दिखाते हैं क्या खाते हैं वहाँ। खाने में है पनीर पराठा, पनीर पराठे और दाल। वाह, देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है, और खा के देखते हैं कैसा होता है। और ये पुरानी पता आप कैसे लग रहे हैं, महिषासुर को देखे वैसा ही मोच हो गया है आपका। हमारे रवि भैया भी अपना गोप्रो लगा लिया है हेलमेट में, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो रवि भैया का गोप्रो सेटअप, लेकिन गोप्रो उनका हैंग कर गया, तो कहीं हमें रोकना पड़ेगा, बैटरी फिर से निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, फिर गोप्रो ऑन होगा। ये गोप्रो में एक मतलब दिन में एक बार ये फॉल्ट होना ही है। तो थोड़ी देर पहले मैंने रवि भैया की गोप्रो की बुराई की थी, इससे मेरा गोप्रो बुरा मान गया, वो भी हैंग कर गया। तो यहाँ पे रुके दोनों गोप्रो का बैटरी निकाल फिर से लगाने के लिए, और बाहर बहुत ही जोरों की बारिश हो रही है। यहाँ रवि भैया का गोप्रो और मेरा गोप्रो तो ऑन हो गया, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाइक क्या सही लग रही है ना, लोडेड। ये मेरी प्लैटिना, वो रवि भैया की TVS अपाची, यही दोनों बाइक है जो नेपाल गई थी हमारे साथ, और यही दोनों बाइक है जो एक हिस्टोरिक राइड पे निकल रही है, केदारनाथ राइड। जब पूरा दुनिया लॉकडाउन में है, हमें मौका मिला, सारा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हम लोग निकल लिए। अयोध्या इधर ही है क्या? अयोध्या इधर ही है। ये सामने घाघरा नदी, अयोध्या से होके गुजरती है ये घाघरा नदी, बहुत ही पुराना इतिहास है इसका, बहुत ही पुराना, नेपाल से चल के आती है ये नदी। अयोध्या में आपका स्वागत है। यहाँ पे रुक के एक दो फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, और फोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो मेक श्योर करना कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम का यूज़र हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा। फिर से स्टार्ट हो गई, रेनकोट पहन रहे हम लोग, काफ़ी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। ओहो, कहीं जा रहे हैं? केदारनाथ जा रहे हैं, वहां से पीछे एक और, नहीं नहीं पीछे है। शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त मैं लखनऊ से करीब 50 किलोमीटर दूर हूँ। रास्ते में बहुत ज़ोरों की नींद आने लगी थी, तो एक ढाबा देख करके रुक गए खाना खाने के लिए, खाना खा लेते हैं भरपेट और फिर निकलते हैं अंधेरा होने के बाद। हाईवे किनारे हमारा 80 रुपये का थाली, छोला पुलाव, दो तंदूरी रोटी, रायता, दाल और यहाँ पे सलाद। मतलब सही बताओ तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे, 80 रुपये में इतना स्वादिष्ट लाद, तब पानी आ रहा, मैं खाता हूँ बाद में बात करते हैं। बाबा बाबा बाबा, बाइक बिल्कुल रेडी है हमारी, तैयार वहाँ पर, थोड़ा गाड़ी का हेडलैम्प जैसे साफ़ कर लेते हैं और फिर निकलते हैं, देखते हैं आगरा कितने बजे तक हम पहुँचते हैं, कितना टाइम लगता है हमें आगरा पहुँचने में। कोशिश तो है कि रात के 12-12:30 बजे तक हम आगरा पहुँच जाए, क्योंकि अगर आगरा हम पहुंच जाते तो फिर दिल्ली वहां से काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। लखनऊ की ट्रैफिक जो कि तुरंत खुल जाएगी, हमें लेना है राइट तो हम स्विच कर लेते हैं राइट वाले लेन में। हम
लखनऊ शहर के बीच से होके जा रहे हैं। लखनऊ शहर इतना सुंदर है कि बिना रुके यहाँ से अगर चले जाते तो अन्याय हो जाता है। तो रोड किनारे बहुत अच्छा लोकेशन देख के रुके हम, जहाँ पे बहुत सारे यहाँ के लोकल लोग भी रुके रहते हैं, खाना पीने का सामान वगैरह सब यहाँ पे। और हमारा अभी का प्लान ये है कि रवि भैया बताइए क्योंकि कैंसिल करना और प्लान कंटिन्यू करना इन्हीं के हाथ में है। क्योंकि मेरा बस मतलब मैं रात भर ड्राइव करूँ, अभी इनसे पूछते हैं क्या चले के हाँ कहाँ चले के दिल्ली रात भर में, आज दिल्ली काम देना है कैसे भी करके। और पता है ये मेरा मोहित के लिए, बस मोहित के लिए। ओके तो ये भैया हमें मिले लखनऊ में, वो बाइकिंग कोऑर्डिनेशन जो होता है बहुत अच्छा बॉन्ड हमारा बन गया। भैया का नाम है रवि वाजपेयी, नवीन वाजपेयी, ओके सॉरी। चलिए रवि भैया ठीक है भैया बाय, थैंक यू सो मच। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आगमन के लिए धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे टोल आ गया, पहला टोल। यहाँ पे हमें पैसा देना होगा बाइक के लिए। और हमारा लेन कौन सा है, बाइक का लेन कौन सा है, ओवरसाइज, फास्ट ट्रैक, ट्रक, लाइट व्हीकल, ट्रक, कार, बस। अरे भाई साहब बेइज्जती हो गया, ये तो गर्दन बेइज्जती है जी, बाइक का तो लेने नहीं है। आइए ही वाला में आइए, आगरा कितना नंबर है, JS01DN 2597 300 ₹300 का टोल। अभी 400 का तेल मैंने भरवाया और 300 का टोल, मतलब 400, 500, 600। अरे भाई साहब ये तो बहुत महंगा रोड है जी। हर हर महादेव, शिव 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 शंभो। के 2 बज चुके हैं, अभी इतना भी शक्ति नहीं है शरीर में कि मैं एक जगह पे खड़ा हो सकूं। हमारे पास पानी ख़त्म हो चुका है, शरीर में ताकत ख़त्म हो चुका है। मैं बताऊं, मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गए थे कि जैसे कुत्ता दौड़ के रोड पार हो रहा है, आदमी सोया हुआ है रोड किनारे, ऐसा हेलुसिनेशन। और आँख ऐसे हो रहा था। फिर मतलब हम और रवि भी आपस एक दोनों को चिल्ला के जय श्री राम बोल बम ये सब बोल करके कुछ दूर तक आए हम लोग, करीब 20-30 किलोमीटर के बाद। तब जा कर के ये एक रुकने लायक जगह मिला है, यहाँ पे रुके हुए हैं, बगल में टोल प्लाजा है। देखते हैं जाके पानी, अगर तो पानी ले करके बिस्किट पानी खाते, थोड़ा पावर नैप लेते, पहले मैं लूँगा फिर वो लेंगे, ऐसे करके और फिर निकलते हैं आगरा की तरफ। राइडिंग टफ होती है, जिनको लगता है नहीं होती है, भाई साहब देख लो सुबह 6:30 बजे से निकले हुए हैं, रात के 2 बज चुके हैं, ना सर पे छत है ना पेट में खाना, ये राह है यारो, बस चलते जाना। फाइनली सुबह के 5:30 बजे ये बोरिंग सा हाईवे ख़त्म हो रहा है। सामने टोल है, टोल के बाद भी 20 किलोमीटर का ये हाईवे है, लेकिन ऑफिशियली ये टोल के बाद ये हाईवे एंड हो जाएगा। और हमें यहाँ पे अपना पर्ची को फिर से दिखाना है,
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी यात्रा सुखद एवं मंगलमय हो। तब रवि भैया, हमारे जो व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है आपको इतना बोरिंग हाईवे खत्म होने के बाद, बोलिए। The nation wants to know। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी इस वक्त हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे में, लेकिन खुशी की बात यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे में ये ऐसे छोटे छोटे दुकान हैं खाने पीने के, तो चाय और पानी ये हमें मिल गया। अभी यहाँ से दिल्ली और 200 किलोमीटर है, लगभग 4-4.5 घंटा हमें लग जाएगा दिल्ली पहुँचने में। हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कल सुबह 6:30 से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बात मोटो व्लॉगिंग मोड में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, कैसे भी करके अगर आप इस चैनल पे आ गए हो, यहाँ तक देख लिए हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे, इसके साथ एक फ़ोटो हम ले रहे हैं। अब फ़ोटो खींचने वाले हमारे फोटोग्राफर रवि भैया, तो फोटो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सभी का भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। और वो सामने मोहित सोनी, और ये रही डोमिनर जो हमारे साथ जाने वाली है केदारनाथ राइड पे। भाई क्या लग रही है